तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा सबिन भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन का जो दूसरा विंसी प्रीमियर लीग टीटन का जो मुकाबला होने वाला है FCS वर्सेस LSH के बीच में। इस वीडियो में आपको इन दोनों टीम्स के जितने भी प्लेयर्स हैं जो जो खेलने वाले हैं सबका स्टैट्स, रिसेंट फॉर्म प्लस ट्रम्प कार्ड पिक कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जिनके सिलेक्शन बहुत कम है भाई। आपको जो है बिल्कुल से अपनी टीम में लेकर चलना है अगर आपको इस मैच को गारंटीड 110% विन करना है। तो वीडियो में सभी लोग आखिर तक बने रहना, अपना बेस्ट दूंगा इस मैच में भी। और आप सभी को पता होगा अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो कि भाई इस रिटर्न की सीरीज़ में हमारा 95% का विन रेट है, मतलब 10 में से 8 से 9 मैच हम विन करते हैं ईजिली विंसी प्रीमियर लीग के। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर देना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर, मतलब पहले कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि सारे मैचेस की फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करता हूँ। अब देखो तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर 21,000 से भी ज़्यादा लोग पहले से ही ज्वाइन हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग जो है विन भी कर रहे हैं और बैक टू बैक हम लोग क्लीनशिप कर रहे हैं, चाहे वो ACS रिटर्न हो, विंसी रिटर्न हो या कोई सा भी अदर मैच हो। ठीक है, उसके अलावा जो गिवअवेज होते हैं 50,000 या 1,00,000 के IPL में, वो भी मैं आपको यहीं पर शेयर करता हूँ। और सबसे अच्छी बात भाई, गिव अवे भी होता है हमारे वीडियोस में। ठीक है, तो गिव अवे का जो भी विनर बनता है उनका अनाउंसमेंट भाई हूँ टेलीग्राम पर ही होता है। देख लो ये रहा, 200 रुपीज़ मैंने पेमेंट किया था एक को, क्योंकि कल वाले वीडियो का विनर था। ठीक है, इस वीडियो में भी गिव अवे है, उसके बारे में मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो भाइयों, इसी वीडियो के बीच में मैंने आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है इसी मैच के रिलेटेड, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो कुछ रूल्स हैं, पहले आपको मैक्सिमम 1 कमेंट करना है, दूसरा आपको मैच स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट करना है, तीसरा यहाँ पर आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है प्लस आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद चौथा रूल ये है कि आप जो भी कमेंट करोगे आपको उसके साथ में हैशटैग करके ड्रीम टीम्स लगा देना है। अगर आप ये चार रूल फॉलो करके हमारे गिव अवे का विनर बनते हो तो आपको आपका प्राइस दिया जाएगा, और जो भी विनर बनेगा हमारे गिव अवे का उनका अनाउंसमेंट हम टेलीग्राम में करेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई, मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ चुका हूँ सीधा ड्रीम 11 पर। बात करेंगे हम टीम क्रिएशन की। अब देखो स्टैट्स या कुछ मैं आपको दिखाने नहीं वाला, स्टैट्स दिखाना भाई टाइम की बर्बादी होगी, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस दोनों टीम्स के बीच में प्ले किए जा चुके हैं, इसलिए हर एक प्लेयर के बारे में आपको ऊपर से बताऊंगा कि मतलब क्या रोल है इनका टीम में और क्या इनका परफॉर्मेंस आ सकता है इस मैच में। अब देखो विकेट कीपर सेक्शन की बात करूँ, 3 प्लेयर आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं इस मैच में भी, सेल्विन ब्राउन, गिडरॉन पोप और यहाँ से जेहरॉन वॉल्टर्स। देखो यहाँ से पहले मैं बात करूँ एस ब्राउन की, तो बंदा आपको जो है ओपनिंग करके देगा और काफ़ी अच्छे फॉर्म है, लास्ट मैच में 50+ की शानदार पारी इसने खेली थी, तो आपकी टीम में ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए, खास करके इस मॉलिक्स में। ग्रैंड लीग्स में आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो और एक दो टीम में ड्रॉप भी कर सकते हो, वो आपका पर्सनल रिस्क रहेगा भाई, ग्रैंड लीग में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी पोप की, गिडरॉन पोप, ये बंदा भी ओपनिंग करता है प्लस आपको विकेट कीपिंग तो नहीं करता भाई, ये बंदा जो है कैचिंग फील्ड में रहता है प्लस कभी कभार बॉलिंग जरूरत पड़ेगी ना तो ये बंदा डालने आ जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो थर्ड लास्ट मैच में इस बंदे ने एक ओवर की बॉलिंग की थी और एक विकेट ले गया। अब देखो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि ये बंदा बॉलिंग करेगा, लेकिन हाँ बॉलिंग से भी ये जो है कुछ चांसेस रखता है करने की कभी कभी, तो आप लोग इसको भी अपनी टीम में ले लो। ठीक है, स्मॉलिंग में आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा, फॉर्म काफ़ी अच्छा है, आपकी टीम में मस्ट है होना चाहिए। जेहरॉन वॉल्टर्स बहुत नीचे आता है बैटिंग करने, लेकिन हाँ विकेट कीपिंग करता है अपनी टीम से, तो भाई आप लोग ड्रॉप कर सकते हो बिकॉज कुछ खास स्टैट्स नहीं है। ठीक है, और सिर्फ विकेट कीपिंग के हिसाब से हम लोग इसको पिक नहीं करेंगे। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, जोनाथन कार्टर सबसे पहला पिक आपकी टीम में होना चाहिए। रीज़न क्या है, बंदा आता है ओपनिंग करने और दो ओवर की बॉलिंग करता है जिसमें से एक ओवर आता है डेथ में, हर जगह से आपको भाई पॉइंट देगा, कैचिंग से भी, बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी, मस्ट हैव प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का एक बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डेसरन मेलोनी, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने का लेफ्टी बैट्समैन है प्लस भाई बहुत अच्छी बैटिंग ये बंदा कर लेता है प्लस दो ओवर की बॉलिंग भी करता है, तो ये भी आपकी टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट आप देखिए सेल्डन विलियम्स एक काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, 10-15 बॉल में इसके पास एबिलिटी है, 20-25 रन स्कोर कर देने की, लगभग 200+ का स्ट्राइक रेट ये मेंटेन कर लेता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन है, सेकंड या थर्ड डाउन बैटिंग करने आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक इसकी बैटिंग आती है तब तक 6-7-8 ओवर तक हो जाते हैं और भाई 1-1.5 ओवर में ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं आपको ग्रैंड लीग्स में सजेस्ट करूँगा, बिकॉज हो सकता है इस मैच में इसकी बैटिंग जल्दी आ जाए और एक प्लेयर ही अच्छा है तो आपकी टीम में एक मतलब ट्रम्प कार्ड हो सकता है, खास करके ग्रैंड लीग्स में। एच सेलो काफ़ी नीचे आ रहा है, आराम से ड्रॉप करो, सेम गोस फॉर यू थॉमस एंड डी हेक्टर, काफ़ी नीचे बैटिंग करने जाते हैं, कुछ खास स्टार्ट भी नहीं है तो ड्रॉप कर सकते हो। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, कार्लोस बैथवर्ड इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर, नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, सीधा आपकी टीम में होना चाहिए, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ये भी एक बेस्ट ऑप्शन, सेकेंड या थर्ड डाउन बैटिंग करने आएंगे और दो ओवर की बॉलिंग करेंगे जिसमें से एक ओवर ये बंदे आते हैं डेथ में।
ठीक है, तो आपकी टीम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखेंगे डिलन डॉगलस। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बोला था डेस्टन मेलोनी बॉलिंग करते हैं, तो भाई थोड़ी गलती हो गई, ये बॉलिंग नहीं करता लेकिन हाँ बैटिंग करता है, टीम का कैप्टन है, ओपनिंग करेगा और बहुत अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है, तो ये आपकी टीम में होना चाहिए। बॉलिंग ये करते हैं डिलन डॉगलस। डिलन डॉगलस एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएगा, दो ओवर की बॉलिंग करेगा, तो आपकी टीम में ये भी एक मस्ट है, होना चाहिए, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप लोग ट्राई करते हो। जे जोन्स एक विकेट टेकर बॉलर है एफसीएस की टीम की तरफ से, रेगुलरली बंदा हर मैच में एक एक दो दो विकेट निकाल रहा है, तो आपकी टीम में ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, भाई फॉर्म काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ से रे जॉर्डन को मैं अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ। रे जॉर्डन एक काफ़ी अच्छा बॉलर है, स्टार्टिंग के ओवर्स में आपको अपनी दो ओवर की स्पेल करता हुआ ये बंदा दिख जाएगा, प्लस ज़रूरत आने पर ये बंदा जो है हल्टिंग भी कर सकता है, इसके पास भी एबिलिटी है 5-10 ओवर में 15-20 रन स्कोर कर देने की। देखो नेक्स्ट यहाँ से आपको दिखेगा लैली एडवर्ड, इसको मैं इस मैच में ट्राई करने नहीं वाला। रीज़न क्या है भाई, देखो एफसीएस का टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, सेल्विन ब्राउन और गिड्रॉन पोप इनके टॉप ऑर्डर में मेंशन है, जिनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से लैरी एडवर्ड इस मैच में फ्लॉप होने के चांसेस रखेगा, बिकॉज फॉर्म तो इसका ठीक है लेकिन भाई इन दोनों के मतलब इसके सामने ये दोनों जो प्लेयर आएंगे ना इनका फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर जो है लैरी एडवर्ड को विकेट नहीं देंगे। इस हिसाब से मैं अपने प्रेडिक्शन के ऊपर जा रहा हूँ, बाकी हाँ आप लोग चाहो तो इसको अपनी टीम में ले सकते हो, इसी वजह से मैं इसको अपनी टीम में अभी क्लियर नहीं ले रहा। सेम यहाँ से ओ लेविस का भी है, ये भी बंदा स्टार्टिंग में डालने आता है और इसके भी सामने ये दोनों रहेंगे, तो मेरे हिसाब से विकेट नहीं गिरेंगे स्टार्टिंग में, डेट्स वाई आई एम नॉट पिकिंग ओ लेविस एंड लैरी एडवर्ड बोथ। ठीक है, किट्रॉन लेविया एक अच्छा प्लेयर है लेकिन भाई बॉलिंग इसको मिल नहीं रही, तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। रायन विलियम्स विकेट टेकर बॉलर है, रेगुलरली बंदा आपको एक दो विकेट हर मैच में प्रोवाइड कर देगा, तो आपकी टीम में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए। केविन अब्राहम का भाई फॉर्म आ चुका है बंदा वापस, ठीक है, एक विकेट दो विकेट आपको हर मैच में बंदा लेकर दे सकता है, एबिलिटी है इसके पास, और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि इसका जो है विकेट टू विकेट लाइन लेंथ होता है, और जो आपको भाई काफ़ी अच्छा खासा जो है ना पॉइंट लेकर दे सकता है, बिकॉज आपको पता होगा नॉर्मल विकेट के कंपेरिजन में बोल्ड LVW से 33 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इसलिए केविन अब्राहम को मैं लेकर चल रहा हूँ अपनी टीम में। लास्ट प्लेयर का मैं आपको यहाँ से ऑप्शन देता हूँ, आपके ऊपर रहेगा आप किसके साथ जाना चाहते हो। आप लोग यहाँ से ओजे मैथ्यूज के साथ भी जा सकते हो, ए बॉब के साथ भी जा सकते हो, बिकॉज दोनों आपको दो ओवर की बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तीसरा यहाँ से लैरी एडवर्ड, चौथा यहाँ से ओ लेविस। सेफ जाना हो तो एल एडवर्ड, थोड़ा सा रिस्क जाना हो तो ओ मैथ्यूज। मैं अभी के लिए ओ मैथ्यूज के साथ जा रहा हूँ, इसका भी बिल्कुल सेम केविन अब्राहम जैसे बॉलिंग है, विकेट टू विकेट इसका भी लाइन लेंथ रहता है, तो भाइयों देखो कुछ इस तरीके से मेरी टीम आपको दिख जाएगी। बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन की, तो आज के मैच में जो भी प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, पहला उसका आपको नाम लिखना है, दूसरा वो कितना पॉइंट देगा आपको 5 पॉइंट का गैप लेके बताना है। लाइक आपको लगता है 100 to 105 पॉइंट्स, तो लाइक आपको लगता है जे कार्टर, तो आपको लिख देना है जे कार्टर 100 to 105 पॉइंट्स। अब देखो आपको ऐसा नहीं लिखना कि हाईएस्ट पॉइंट जे कार्टर, ठीक है, आपको सीधा नाम लिखना है कि जे कार्टर 100 to 105 पॉइंट्स, ठीक है, वो आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सभी लोग जाकर कमेंट कर देना। और हाँ कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, उन सभी को आप लोग जरूर से फॉलो करके आंसर करना, अदरवाइज आप लोग एलिमिनेट कर दिए जाओगे। तो देखो भाइयों वीडियो एंड करने से पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के और स्मॉल लीग के कुछ बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस की। तो पहले यहाँ से मैं बात करता हूँ इस ग्रैंड लीग की, तो देखो गिड्रॉन पोप एक अच्छा प्लेयर है, फॉर्म आ चुका है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। डेसन मेलोनी भी एक काफ़ी अच्छा और हल्डर बैट्समैन है, इसको भी आप लोग सीबीसी ट्राई कर सकते हो। सेल्विन ब्राउन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। और चौथा यहाँ से जे जोन्स, जो बंदा हर मैच में आपको एक दो विकेट आराम से प्रोवाइड कर देता है, तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है सीबीसी के ग्रैंड लीग्स में। स्मॉल लीग की बात करूँ, यहाँ से आप लोग जे कार्टर, कार्लोस ब्रैथवेट, डिलन डॉगलस, ये तीन बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है स्मॉल लीग में। अभी के लिए मैं अपनी कैप्टनसी देने वाला हूँ कार्लोस ब्रैथवेट को, भाई नाम ही काफ़ी है, ठीक है, आपको भी पता होगा। वाइस कैप्टनसी यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, जे कार्टर और डॉगलस। अब देखो यहाँ से LSH पहले बॉलिंग करेगी, तो मैं इसे जे कार्टर को बनाऊंगा वाइस कैप्टन, बिकॉज ये बंदा आता है डेथ में। और अगर LSH पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ से डिलन डॉगलस, ठीक है। अभी के लिए मैं अपनी कैप्टनसी दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ डी डॉगलस को, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि LSH की टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो देखो भाई कुछ इस तरीके से मेरी टीम आपको जो है क्लियर होती हुई दी जाएगी। इनिशियल टीम है, फाइनल टीम नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज फाइनल टीम के लिए टॉस और लाइनअप्स आना जरूरी है, लेकिन अभी टॉस और लाइनअप्स नहीं है, तो फाइनल टीम आपको टॉस और लाइनअप्स आने के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। फिर से बोलता हूँ टेलीग्राम में जाकर सब लोग ज्वाइन हो जाना, 21,000 से ज़्यादा फैमिली में ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं।